तो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक असर। तो रात में आपको बताने वाले हूँ कि आप स्नैपचीट से कैसे अपनी स्किन को रिटच कर सकते हो या स्मूथ कर सकते हो, क्योंकि पहले मैंने आपको ट्यूटोरियल बताया था कि पिक्सार्ट से आप कैसे अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हो। आई कार्ड में ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, आप सिंपली उसको जाके वॉच कर सकते हो। वो भी उसमें मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा ईजी तरीका बताया था, उसमें एक ऑटो तरीका था और दूसरा मैनुअल तरीका था, लेकिन उसमें मैं आपको ऑटो और मैनुअल तरीके दोनों तरीके से इसमें ही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि स्नैपचीट एप्लीकेशन ही गूगल की एप्लीकेशन और बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, और ये पिक्सार्ट से भी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है। पिक्सार्ट पे आप एडिटिंग वगैरह तो बहुत अच्छी कर सकते हो, लेकिन जो स्किन स्मूथिंग के लिए जो एप्लीकेशन होती है उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। उस वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं स्नैपचैट के ट्यूटोरियल की वीडियो जल्दी ले आऊँगा, मैं स्नैपचैट के ट्यूटोरियल की वीडियो ला चुका हूँ। जिसके पास पिक्सार्ट है, जैसे किसी के मोबाइल में मेमोरी कम होती है तो कोई पिक्सार्ट रखने को स्नैपचैट रखता है, तो जिनके पास पिक्सार्ट है उनके लिए वीडियो पहले ही आ चुकी है। जिसके मैं पहले बोल चुका हूँ कि आई कार्ड में वीडियो आ चुकी है, तो आप वहाँ से जाकर सिंपली उसको वॉच कर सकते हैं। और जिनके पास स्नैपचैट है वो स्नैपचैट में भी कर सकते हैं, लेकिन स्नैपचैट में थोड़ा अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इसमें मैनुअल तरीका एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसमें मैनुअल तरीके में ये नहीं लिखा था कि भाई सिंपली जाके स्किन को स्मूथ कर ले, वहाँ ये नहीं होता, वहाँ एक अलग सा ऑप्शन होता है जो आपको वीडियो में पता चलेगा। आगे वीडियो में आपको फुल वीडियो है और जो इसमें फुल बहुत एक अच्छा तरीका होगा, आप सिंपली अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक टच की मदद से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फिर डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर चले जाना, प्ले स्टोर पर सिंपली आपने वहाँ पर लिखना है स्नैपचैट। स्नैपचैट जैसे आप लिखोगे गूगल की एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है। शायद कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा जो एडिटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते, लेकिन तकरीबन हर बंदे को पता ही है इस वाले ऐप के बारे में, स्नैपचैट, पिक्सार्ट और जैसे लाइटरूम वगैरह। इन ऐप्स के बारे में तो सबको पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर ऐप्स हैं और लोग इससे ही अपनी पिक्चर्स को रिटच वगैरह एडिटिंग वगैरह करते रहते हैं। और सबसे पहले आपने यहाँ पर सबसे पहले गैलरी को अपनी ओपन कर लेना है। मैंने पहले से वाली फ़ोटो सिलेक्ट की, ये वाली वैसे सेल्फी, और सेल्फी में वैसे आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे ये प्रॉपरली स्मूथ नहीं लग रही, तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से फुल स्मूथ करूँगा। देखिए जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर टू, मतलब स्नैपचैट का मिल जाता है। जैसे आप शेयर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखें स्नैपचैट का ऑप्शन मिल जाएगा। स्नैपचैट पर जैसे आप क्लिक करेंगे वाली फोटो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको ऑटो तरीका बता देता हूँ। ऑटो तरीके में देखें जैसे आप ओपन करेंगे लुक्स में सेकंड नंबर पर आपको मिल जाता है स्मूथ। जैसे आप स्मूथ पर क्लिक करेंगे तो ये फोटो आपकी ऑटोमेटिकली जो है स्मूथ हो जाएगी और एक बहुत ही एक अच्छा लुक देगी। लेकिन फिर भी देखें यहाँ पर बिल्कुल ही टेक्सचर जा चुका है स्किन का और मुझे इतनी ज़्यादा कोई खास पिक्चर नहीं लगी, तो सिंपली यहाँ पर मैं करंट पर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर आपको अब मैं मैनुअल तरीका बताता हूँ। मैनुअल तरीका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है और ये आपको पिक्सार्ट वगैरह किसी में भी नहीं मिलता। और ये देखें सिंपली जैसे आप ये टूल्स पे क्लिक करेंगे तो देखें डायरेक्टली कहीं पर भी आपको मिल नहीं जाता कि आप भाई स्किन को अपनी जो है ना सिंपली स्मूथ कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जाना है लेंस ब्लर में। देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है एक लेंस ब्लर का। आप जैसे ही लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे तो देखें ब्लर स्ट्रेंथ सबसे पहले आपने ऐसे इस साइड जैसे स्क्रीन को इस साइड करेंगे तो देखें यहाँ पर कम हो रही है, लेफ्ट साइड करेंगे राइट साइड करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं 100 स्ट्रेंथ करने के बाद इसको बिल्कुल जो है ज़ीरो कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको साइड पर कहीं पर रख देता हूँ। यहाँ पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो देखें वो ये वाली फोटो मेरी फुल ब्लर हो चुकी है। तो देखें ये वाला एक आपको जो है ना मतलब ऑप्शन मिलता है इस वाले ऐप में, आपको किसी भी ऐप में वैसे ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है स्नैपचैट के अंदर। यहाँ पर जैसे आप ऊपर के यहाँ पर देखें आपको एक मिल रहा होगा एडिट स्टैक, इसका नाम है। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है व्यू एडिट्स का। जैसे ही आप व्यू एडिट्स पर क्लिक करोगे तो देखो जो भी आपने एडिटिंग की होगी आप उसको वहाँ से मतलब रिमूव कर सकते हो, उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हो। पिक्सार्ट, लाइटरूम कोई भी आपको ये वाला मतलब जो है ऑप्शन नहीं देता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऐप स्नैपचैट आपको देता है। इसलिए मैं इसमें बोलता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से स्किन जो है स्मूथ हो जाती है। सिंपली आपने यहाँ पर लेंस ब्लर पे क्लिक कर लेना, यहाँ पर देखें एडिटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है मतलब ब्रश टाइप का। आपने सिंपली जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, वो सारा इन्वर्ट हो चुका है आपके पास। देखें आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे इन्वर्ट नहीं कर मतलब मुझे इन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पर लाऊंगा। और सबसे पहले आपने सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ देखें, आप 0 से 100 तक कर सकते हो, 75-50, तो मैं 0 से तकरीबन 25 तक पहले करके देखता हूँ, ताकि आपने कम से कम ब्लर रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे, देखिए मैं आपको 100 भी करके दिखाता हूँ, 100 करोगे देखें एक बहुत ज़्यादा फेक लुक दे रहा है। देखें आप फोटो में आपको दिखाता हूँ कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर लेंस ब्लर पर जाना है, एडिट पर जाना है, और यहाँ पर अगर आपसे गलती हो गई तो रिमूव आप इसको नहीं कर सकते, आपको शुरू से करना पड़ेगा। मैं इसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 25 रख लेता हूँ। 25 रखने के बाद आपने कम से कम ब्लर स्ट्रेंथ रखनी है ताकि ये एक अच्छा लुक दे और रियल लुक दे। देखिए मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर निशान है वहाँ पर आपने पेंट कर लेना और अच्छे तरीके से करना है। मैं आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ ताकि आप वीडियो देख देख के बोर ना हो जाओ कि यार इतना लंबा ट्यूटोरियल, क्योंकि एक सिंपल ट्यूटोरियल है, आप कहीं पर भी अपने मोबाइल पे कर सकते हो। स्नैपचैट को इतना हैवी एप्लीकेशन भी नहीं है कि आपका कोई 2 GB रैम या 1 GB रैम वाला फ़ोन ना चला सके, कोई भी फोन इसको ईजिली चला सकता है। देखिए मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, पहले स्किन कुछ इस टाइप की थी और स्किन में अभी देखें कितना एक अच्छा लुक आ चुका है। आपने पूरी स्किन पर नहीं करना, जहाँ जहाँ पर आपने मतलब वहाँ पर थोड़े निशान है वहाँ पर आपने करना है। मैंने पूरी स्क्रीन पर कर दिया, पूरी स्किन पे कर दिए।
और आप फोटो देखें कुछ इस टाइप की बन चुके हैं। सिंपली आप डन पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो फुल इन्वर्ट होकर देखें आपके पास कुछ अब इस टाइप का लुक दे चुके हैं। देखें पहले फोटो कुछ इस टाइप की थी और अब फोटो कुछ इस टाइप की हो चुकी है। लेकिन जब आप इस वाली फोटो को रिटच करेंगे बहुत अच्छे तरीके से जब रिटच करेंगे तो फोटो एक बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगी और इसे बिल्कुल भी फेक लुक नहीं देगी। अभी देखें थोड़ा जो स्किन तो स्मूथ हुई है लेकिन टेक्सचर थोड़ा बहुत गायब हो गया, तो आप पिक्सआर्ट में जाकर इसका टेक्सचर वगैरह ला सकते हो। उसकी वीडियो में मैं जल्दी ले आऊँगा टेक्सचर की अपनी स्किन में कैसे वापस लाएँ विदाउट लूजिंग टेक्सचर, मतलब अपनी स्किन को कैसे स्मूथ करें। लेकिन आप मैं आपको एक फुल रिटच वाली वीडियो भी लाऊंगा कि जैसे आप क्लिक करके इंस्टाग्राम पे अपलोड करने से पहले पहले तक मतलब आप फोटो कैसे को कैसे एडिट करते हो। और अगर आपको ये वाली फोटो सेव करनी है सिंपली आप इस वाले आइकन पे यहाँ पर शेयर वाले बटन पे क्लिक करो। जैसे आप शेयर वाले बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ मैंने लेंस ब्लर किया तो 1:1 और देखें सेविंग फोटो क्लिक हो गया और अभी आपके मोबाइल में फोटो सेव हो चुकी है और कहीं पर भी आप ये वाली फोटो शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे अपलोड होने के लिए। वाली फोटो अब रेडी है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक मस्त कर देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ और कमेंट पे आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस और लाऊं। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त इंस्टाग्राम का यहीं कहीं जो है वो आ रहा होगा आपको। मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है tekaswa_official। आप सिंपली वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर देना मुझे अगर आपको कोई भी मेरे कंटेंट वाइज इंप्रूवमेंट चाहिए हो या फिर कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरी रीडिंग वाइज या कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा। कमेंट में भी आपने सजेशन दे सकते हो उसका रिप्लाई भी मैं इंशाल्लाह आपको एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे। भाई को दुआओं में याद रखना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।